कैलेंडर पढ़ा रहे थे ना, उसमें शायद आधा क्वेश्चन बाकी रह गया था। रुकिए एक मिनट, पंद्रह तक हो गया था, नहीं 16 से बाकी। बोला जाए क्या हो जाएगा, पढ़ के देखिए। फट्टी बोला गया कि एक मास के तीसरी तिथि को रविवार है, तो उस मास के चौथे बुधवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? तो आइए, 3 तारीख को कौन सा दिन था? रविवार। ये क्या बोला है? चौथे बुधवार। तो पहला बुधवार तो पता करिए तब ना, तो पहला बुधवार के तारीख को होगा, तो 3 तारीख को कौन सा दिन था? संडे। 4 को
मंडे 5 को, ट्यूसडे ना 6 तारीख को वेडनेसडे। तो पहला वेडनेसडे कितना तारीख को था? 6 तारीख को पहला। दूसरा वेडनेसडे बोलिए, तो 7 7 जोड़ते चलिए, तो दूसरा हो जाएगा 13 को। तीसरा वेडनेसडे बोलिए, 20 तारीख को। चौथा बुधवार बोलिए, 27 तारीख को। 27 तारीख को था चौथा बुधवार, चौथा बुधवार के तारीख को, और उसके 3 दिन बाद, तो 27 में 3 जोड़ दीजिए, 27 और 3 कितना? 30। चलिए, तो आंसर बिल्कुल सही बताए, 30 तारीख को। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा चौथा बुधवार, तो पहला बुधवार पता करिए, तो के तारीख को कौन सा दिन था? 3 तारीख को कौन सा दिन था? रविवार था। तो बोलिए, पहला बुधवार के तारीख को पड़ेगा, ये कैसे पता किए? सीधा सीधा गिन लिए, 3 तारीख को रविवार, 4 तारीख को सोमवार, 5 तारीख को मंगलवार, तो 6 तारीख को, और ये कौन बुधवार? पहला बुधवार। तो पहला बुधवार 6 तारीख को, तो दूसरा बुधवार, तो 7 7 जोड़ते चलिएगा, 6 7 13 7 20 7 27, 27 तारीख को पड़ेगा चौथा बुधवार। तो 27 तारीख के 3 दिन बाद, तो 27 और 3 30, आंसर हो गया कितना तारीख? 30 तारीख। आज कौन सा दिन है? मंगलवार। कौन मंगलवार है? पहला मंगलवार, पहला ही मंगलवार है ना। अब बोले कि तीसरा मंगलवार के 5 दिन बाद के तारीख होगा, बताइए। तीसरा मंगलवार के 5 दिन बाद के तारीख होगा, बताइए। चलिए, तो आज कितना तारीख है? 4 तारीख। 4 तारीख पहला मंगलवार, दूसरा मंगलवार 11, तीसरा 11 7 18, चौथा 25। अब 25 तारीख के हम 5 दिन बाद बोले, तो 25 और 5 30 हो जाएगा। चलिए, बोला गया है कि तीसरा शनिवार है 17 तारीख को, शनिवार तीसरा के तारीख को है, 17 तारीख को। उस महीने का तीसरा बुधवार क्या था? उस महीने का तीसरा बुधवार क्या था? तो आइए, पहले 1 तारीख को काहे नहीं पता कर लें कि 1 तारीख को कौन सा दिन होगा क्या? तो आइए, या बुधवार भी पता कर सकते हैं, तो आइए शनिवार से पहले बोलिए शुक्रवार, के तारीख 16 तारीख। चलिए, इससे पहले थर्सडे 15 तारीख, इससे पहले वेडनेसडे के तारीख। अब आइए, 14 तारीख को बुधवार है, तो 14 में से 7 घटाइए, 7 तारीख को भी बुधवार, और 7 में से 7 घटाइए, 0 हो जाएगा। इसी महीना में रहेगा कि पिछले महीना में चल जाएगा? पिछले में चल जाएगा। तो ये बोली, ये 14 तारीख को कौन बुधवार है? पहला कि दूसरा कि तीसरा? दूसरा। ये है कौन बुधवार? दूसरा बुधवार है 14 तारीख को, तो तीसरा बुधवार बोलिए, तो 14 और 7 कितना? 21 था, और आंसर हो जाएगा कितना नंबर? 1 नंबर। फिर से, 17 से पहले 17 को शनिवार, 16 को शुक्रवार, 15 को बृहस्पतिवार, 14 को, तो 14 तारीख को बुधवार है, थी कौन सा बुधवार है, कैसे पता लगाए? तो 14 से पहले बुधवार कब पड़ेगा, और 7 से पहले बुधवार, तो 0 इस महीना में रहेगा कि पिछले महीना में चल जाएगा? पिछले महीना में, थी कौन सा बुधवार है इस महीना का? दूसरा। तो अगला बुधवार 14 7 21 तारीख।
चलिए 2 तारीख को क्या पड़ता है? रविवार। बोला है कि उस महीने के 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो चलिए 2 से 31 के दिन का इंटरवल है, 29 दिन का। 29 में 7 से भाग दे के शेष बताइए, 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो आंसर होगा क्या चीज? मंडे। चलिए 7 तारीख को कौन सा दिन है? शुक्रवार। तब 22 तारीख, तो 7 से 22 के दिन का इंटरवल हो गया 15 दिन का। 15 में 7 से भाग देके शेष बताइए, एक 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 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो आंसर हो जाएगा शनि। चलिए 1 नवंबर को कौन सा दिन है? सोमवार। नवंबर में 1 तारीख को कौन सा दिन है? तो 25 नवंबर। तो 1 से 25 के दिन का इंटरवल हो गया 24 दिन का। आज 24 में 7 से भाग देके शेष बताइए, 3। कितना? 3। 3 दिन आगे बढ़ाइए, तो सोमवार का कोड बोलिए, 1 1 3 4। 4 का मतलब, 4 का मतलब हो गया बृहस्पतिवार, या 4 दिन आगे गिन दीजिए, मतलब 3 दिन आगे गिन दीजिए, तो सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। चलिए आगामी कल के 3 दिन बाद कौन क्या है? 15 जून। तब तो ऐसे बनाना पड़ेगा, कहीं पर आज मानिए, मान लीजिए कि यहाँ है आज, आज का आने वाला कल, ये हो गया आगामी कल के 3 दिन बाद। के दिन बाद? 3 दिन बाद। तो 1 2 3 कौन दिन है? 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है। अच्छा, यहाँ पर 15 जून। आप कहता है कि जो कि क्या चीज था? शुक्रवार था, यहाँ पर आपका फ्राइडे। तब बोला गया है कि इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका कोई, इस सब स्ट्रक्चर बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। तब आइए सीधा सीधा, 15 जून को कौन दिन है? शुक्रवार है। तो आपको पूछा गया कब का? इस महीने के अंतिम, तो कौन महीना है? तो जून कितना दिन का? तो आपसे पूछा जा रहा है कि 30 जून को कौन सा दिन पड़ेगा। तो आइए 15 से 30 कितना दिन का इंटरवल? 15 में 7 से भाग देके शेष बताइए, 1 दिन आगे बढ़ाइए, तो सैटरडे हो जाएगा, और आंसर क्या हो जाएगा? अरे इंटरवल हुआ के दिन का, 15 में 7 से भाग देके शेष बताइए, 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए। चलिए 4 तारीख को शनिवार है, तो 27 तारीख को, तो 27 में से 4 घटाइए, 23। इंटरवल हो गया 23 दिन का, 23 में 7 से भाग देकर शेष बताइए, 2। तो 2 दिन आगे बढ़ाइए, शनिवार से 2 दिन आगे गिनिएगा तो सोमवार आ जाए। चलिए 5 तारीख को कौन दिन है? सोमवार। तब पूछा के दिन पहले?
19 दिन पहले, के दिन पहले, इस माह के 19 के ठीक पहले। अच्छा, 19 के ठीक पहले, 19 दिन पहले नहीं बोला है, मतलब 19 तारीख के ठीक पहले। तो बोलिए 5 से 19 कितना का इंटरवल? 14, 14 में 7 से भाग देके 0, तो 0 का मतलब कौन दिन आ जाएगा? तो 19 तारीख को कौन सा दिन है? सोमवार। आज सोमवार के ठीक पहले, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज? फिर से सुनिए, 5 तारीख को कौन सा दिन है? तो पता करिए कि 19 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो 5 से 19 के दिन का इंटरवल 14 दिन का, 14 में 7 से भाग देके शेष बताइए 0, 0 का मतलब मंडे का मंडे ही रह जाएगा। तो 19 से ठीक पहले यानी मंडे से ठीक पहले कौन सा दिन होगा? हाँ, पूरा क्वेश्चन में नहीं पढ़े ना, और भी बात लिखा हुआ है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद पड़ती है, तब 5 तारीख को कौन सा दिन होगा? तब 5 तारीख को हो जाएगा बुधवार। 5 तारीख कब पड़ता है? सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 1 दिन बाद मंगलवार, 2 दिन बाद बुधवार। तब 5 तारीख को सोमवार नहीं है, 5 तारीख को कौन सा दिन है? बुधवार। तो बताइए 19 तारीख को कौन सा दिन होगा? अच्छा, 19 के ठीक पहले, तो 19 के ठीक पहले कितना तारीख? 18 तारीख को हमसे पूछा गया है। 19 का तब निकाले का है ना, सीधे 5 से 18 बोलिए, डिफरेंस कितना का? 13 में 7 से भाग देके शेष बताइए 6। आज 6 दिन इसको पहले घटा दिए, छोड़िए, ज्यादा आसान पड़ रहा है। कब का निकालना? 19 का निकालना। चलिए दोनों का इंटरवल बोलिए, 14 में 7 से भाग देके शेष बोलिए, तो 0 का मतलब वेडनेसडे का वेडनेसडे ही रह जाएगा। तो वेडनेसडे से 1 दिन पहले ट्यूसडे। पांच तारीख कब है? सोमवार को नहीं है। 5 तारीख कब है? सोमवार को नहीं है, सोमवार के 2 दिन बाद है। 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद है, तो सोमवार के 2 दिन बाद कौन दिन? तो 5 तारीख को बुधवार है, तो बताइए 19 तारीख को कौन दिन? तो 5 से 19 कितना दिन का डिफरेंस हो गया? 14 में 7 से भाग दिए शेष कितना? 0 का मतलब बुधवार का बुधवार। अब ठीक 1 दिन पहले, तो 19 तारीख से 1 दिन पहले 18 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा? मंगलवार। चलिए 23 तारीख को कौन सा दिन? रविवार। अब कहता है कि 2 सप्ताह 4 दिन पहले कौन सा दिन होगा? तो 2 सप्ताह में कितना दिन? 14 दिन, और 14 दिन और कितना दिन? 4 दिन, 14 4 18 में 7 से भाग देके शेष बताइए, तो संडे से माइनस कर दिए कितना दिन? 4 दिन। तो आइए संडे का कोड बोलिए, तो 0 में से 4 नहीं घटेगा, तो संडे का दूसरा कोड 7, 7 में से 4 घटेगा 3, और 3 का मतलब वेडनेसडे। संडे से के दिन पीछे गिनना है? 4 दिन। तो संडे का कोड बोलिए, 0 से 4 घटेगा, तो संडे का दूसरा मान कितना? 7, 7 में से 4 घटाइए 3, 3 का मतलब बुधवार। अरे ये सब शुरू में ही बताते हैं,
शुरुआत इसी सबसे होता है। देखिए यहाँ पर बताते हैं, मंडे के 5 दिन बाद गिनिए, फ्राइडे के 5 दिन बाद गिनिए, बुधवार के 6 दिन बाद गिनिए, मंडे के 5 दिन पहले गिनिए, ट्यूसडे के 100 दिन बाद गिनिए। अब मंडे से 5 दिन पहले गिनना है तो कैसे गिनिएगा? तो मंडे का कोड एक, तो एक में से 5 घटेगा, तो एक में 7 जोड़ के क्या पढ़िए, 8, 8 में से 5 घटेगा 3, और 3 का मतलब यहाँ पर शुरू में ही कोड सबका लिखा है ना। कोड भी बहुत ईजी है, ऐसा नहीं कि याद रखने में बहुत दिक्कत होगा। संडे शुरू होता है कहाँ से, फिर 1 2 3 4 6, 6 के बाद 7 8 9 10। चलिए किसी महीने का 6ठा दिन मंगलवार है, तो 28 तारीख से 5 दिन पहले किसी महीने का 6ठा दिन मतलब 6 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार है, मतलब यही ना हुआ। अब बोला 28 तारीख से 5 दिन पहले के तारीख 23 तारीख को निकालना है, तो इसका इंटरवल बोलिए, 23 में से 6 घटाइए ना, 17 में 7 से भाग देके जरा शेष बताइए, शेष कितना, तो 3 दिन इसको क्या करिए, आगे बढ़ा दीजिए। मंगलवार का कोड बोलिए, 2, 2 और 3, 5 का मतलब कौन दिन, पहले है, तो 28 में से 5 घटाइए, तो 23 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, राइट। चलिए किसी महीने का 6ठा दिन का मतलब 6 तारीख, तो 6 तारीख को क्या चीज था, मंगलवार। उस महीने की 28 तारीख से 5 दिन, तो 28 में से 5 घटाइए 23, 23 तारीख के आपको निकालना है, तो 6 से 23 इंटरवल बोलिए के दिन का, 17, 17 में 7 से भाग देके शेष बोलिए, 3 दिन आगे बढ़ाना है कि पीछे, आगे, तो मंगलवार से 3 दिन आगे बढ़ाना है, तो मंगलवार का कोड बोलिए, 2, 2 और 3, 5, 5 का मतलब शुक्रवार। चलिए बोला गया है कि कमला को याद है कि उसके बहन का जन्मदिन 12 और 16 के बीच में है, तो 12 16 के बीच में बोलिए, 13 14 15। जबकि उमेश को याद है कि उसका जन्मदिन 14 के बाद 17 से पहले, तो 14 17 के बीच में बोलिए, 15 और 16। तो बोलिए दोनों में क्या कॉमन आ गया, यानी उसका जन्मदिन कितना तारीख को था, 15 तारीख, दोनों में जो कॉमन बचेगा वही उसका डेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से के दिन पहले पहुंच गया, मैं आगामी बुधवार को वहां पहुंचता तो कितने दिन विलंब हो जाता। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन में, यानी सम्मेलन कौन दिन को होना था, शुक्रवार को। अब कहता है कि पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पूर्व पहुंच गया,
शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि निर्धारित दिन से 2 दिन पहले पहुंच गया। तो बोलिए शुक्रवार से 2 दिन पहले, बोलिए कौन दिन? बुधवार। आयोजन कब होना था? फ्राइडे को। तो फ्राइडे से पहले कौन दिन को पहुंच गया? बुधवार को। अच्छा, 2 दिन पूर्व ही पहुंच गया मैंने, आगामी बुधवार को वहां पहुंचता, ये तो सीधा सीधा है। शुक्रवार को पहुंचा कि शुक्रवार को आयोजन होना था? अराइविंग एट द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑन फ्राइडे, आई न्यू दैट आई हैड रीच्ड 2 डे बिफोर द शेड्यूल्ड टाइम। शुक्रवार को एक आयोजित सम्मेलन के स्थान पर पहुंचकर मैंने जाना कि 2 दिन पहले पहुंच गया। तो पहुंच शुक्रवार को आयोजन होना था कि शुक्रवार को पहुंचा है? आयोजन होना था, नहीं, शुक्रवार को पहुंचा है, शुक्रवार को पहुंचा है, समझे? शुक्रवार को पहुंचा है तो इसका मतलब आयोजन होना था संडे को। आयोजन होना था कौन दिन को? संडे को। तो ये 2 दिन बिफोर पहुंच गया। अब कहता है कि यदि वह कब पहुंचता? बुधवार को, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। यदि वह पहुंचता कौन दिन को? वेडनेसडे को। तो नियत समय से कितना दिन बाद पहुंचता? तो संडे को आयोजन उतना होना था, अब पहुंचता बुधवार को, तो कितना दिन लेट से पहुंचता? 3 दिन लेट से पहुंचता। और आंसर हो गया कितना दिन? 3 दिन। वो पहुंचा है कौन दिन को? शुक्रवार को आयोजित नहीं होना था, शुक्रवार को पहुंचा है, लेकिन 2 दिन पहले ही पहुंच गया है। तो आयोजन होना था कौन दिन को? रविवार को। रविवार को आयोजन होना था, उससे 2 दिन पहले पहुंच गया। यदि बुधवार को पहुंचता तो कितना दिन लेट से पहुंचता? 1, 2, 3 दिन लेट से पहुंचता। और आंसर हो गया कितना दिन? 3 दिन। तो शुक्रवार को आयोजन नहीं होना था, शुक्रवार को क्या हुआ है? पहुंचा है। अब थोड़ा हमको भी कंफ्यूजन हुआ तो उसके लिए क्या किए? ऑप्शन देखे। तो यदि शुक्रवार को आयोजन होना था तो पहुंचता कौन दिन को? बुधवार को। और आगामी बुधवार को पहुंचता तो बहुत ना लेट होता है, इंटरवल हो जाता के दिन का? इंटरवल हो जाता 5 दिन का। तो ऑप्शन में 5 कहीं दिया है, इसका मतलब हम समझे कि नहीं, शुक्रवार को पहुंचा है लेकिन आयोजन होना था कब? रविवार को। और रविवार से 3 दिन बाद बुधवार पड़ता है, तो बुधवार को पहुंचता तो कितना दिन लेट होता? 3 दिन। चलिए, रंजना को ठीक तरह से याद है कि साधना का जन्मदिन मंगलवार के बाद आज शुक्रवार से, तो बोलिए कौन कौन दिन पड़ेगा? वेडनेसडे और क्या चीज? थर्सडे। रुपेश को याद है कि साधना का जन्मदिन बुधवार के बाद रविवार से पहले, तो कौन कौन दिन होगा? थर्सडे, फ्राइडे और क्या चीज? सैटरडे। तो दोनों में कॉमन क्या आ गया? तो उसका जन्मदिन कौन दिन को था? तो आंसर हो गया बृहस्पतिवार। पहला के अनुसार बुध बृहस्पति था, दूसरा के अनुसार बृहस्पति शुक्र शनिचर, तो कौन बात दोनों में कॉमन आ रहा है? बृहस्पतिवार। तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। चलिए, किसी माह के 3 दिन बाद, किसी माह में 3 दिन बाद 4 तिथि को क्या चीज है? शनिवार है। चलिए, 4 तिथि को शनिवार।
किसी माह में 3 दिन बाद चार तिथि को शनिवार है, उस माह की 27 तिथि को कौन सा दिन होगा? 3 दिन बाद चार तिथि को शनिवार है, तो सीधे ही है, 3 से कोई मतलब नहीं है, सीधा सीधा 27 को गिना जाए। तो आइए, कितना दिन का इंटरवल? 23 का। 23 में 7 से भाग दे के शेष बताइए 2। अब 2 दिन इसको क्या किया जाए, आगे बढ़ाइए। तो आइए, 6 2 8 आंसर हो जाएगा क्या जी? चलिए, बोला गया है कि 4 अक्टूबर 1999 को किसी का जन्म हुआ है, शशिकांत का जन्म हुआ है 6 दिन पहले, उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस कौन दिन को था? रविवार को। यही आपको इम्पोर्टेंट है। 15 अगस्त को कौन सा दिन था? संडे था। अब आइए, तो पता करिए कि 4 अक्टूबर 1999 को कौन दिन था। 4 अक्टूबर को पता किया जाए। तो बोलिए, अगस्त, अगस्त में के दिन बाकी रह गया? 16 दिन। अगस्त में कितना बाकी रह गया? 16 दिन। सितंबर, अक्टूबर में कितना दिन? 4 दिन। 7 से भाग देके रिमाइंडर पता करिए, कितना हो गया? 1 दिन। तो 1 दिन आगे बढ़ा दीजिए, तो संडे से 1 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या होगा? मंडे। तो 4 अक्टूबर को कौन सा दिन था? सोमवार। और 4 अक्टूबर को किसका जन्म हुआ था? सुरेश का। हमसे पूछा किसका? तो शशिकांत का। तो ये बोलिए, शशिकांत का जन्म कब हुआ है? सुरेश से कितना दिन पहले? तो सुरेश का जन्म कब हुआ है? मंडे को। अब मंडे से 6 दिन पहले, तो मंडे का कोड बोलिए। 1, 1 में 6 नहीं घटेगा तो क्या जोड़ दीजिए? 7। तो 8 में से 6 घटाइए 2, और 2 का मतलब मंगलवार। तो फिर से, 15 अगस्त को कौन दिन था? संडे। तो सुरेश का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को हम पता किए, तो अगस्त में कितना दिन बाकी रह गया? 16 दिन। आई 2 कैसे लिख दिए? तो अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर कितना दिन का? तो 30 में 7 से भाग दिए, शेष कितना? 2। और अक्टूबर में कितना? 4। पूरे को जोड़ के 7 से भाग दिए, तो शेष कितना? 1। तो संडे से 1 दिन आगे बढ़ा दिए, मंडे। तो सुरेश का जन्म हुआ है सोमवार को, आज शशिकांत का इससे 6 दिन पहले, तो मंडे से 6 घटाना है, तो मंडे का कोड कितना? 1। 1 में 6 नहीं घटेगा तो 7 जोड़ के 8 पढ़िए, 8 में 6 घटा 2, 2 का मतलब हो गया मंगलवार। चलिए, इधर खत्म हो गया। चलिए, आ जाइए मैथ में, आगे बनाए हैं। सुनिए इधर, मैथ में कौन चैप्टर पढ़ चल रहा है? पावर इंडिसेस चल रहा है, तो उसमें आपको थ्योरी पूरा बता दिए, एक्सरसाइज है, अब आपको बनाना है, एक्सरसाइज बनाए हैं, तो फिर से एक्सरसाइज कल बना के आइएगा, पीडीएफ भेज दिए हैं। ऐसे जिनके पास किताब होगा तो किताब से बनाइए, और जिनके पास किताब नहीं है तो वही किताब का पीडीएफ है, पीडीएफ आपको भेज दिए हैं, पीडीएफ डाउनलोड किए हैं, पीडीएफ में लिखा होगा चैप्टर नंबर कितना? 5। तो चैप्टर नंबर 5 डाउनलोड कर लीजिएगा और बनाइएगा, अब बना के आइएगा, फिर कल पूछिएगा। अब सब नहीं बताएंगे, क्योंकि एक्सरसाइज है भारी, और सब लोग का मैथ अच्छा है नहीं, तो बताते हैं तो बहुत लोग को नींद आता है, इसलिए बेहतर है जो बनाना चाहते हैं बनाइए, आपको बताएंगे, ना बनाना है तो मत बनाइए, कोई
कोई जरूरी नहीं है, थ्योरी में क्वेश्चन सफिशियंट है, ना बनाना है तो भी ठीक है, बनाना है तो भी ठीक। अब बिना मतलब कि हम सब एकाएक क्वेश्चन बताते रहें, आपको उसका जरूरत है ये नहीं। हाँ, बस एक काम करिएगा, थ्योरी का एक क्वेश्चन हम भी बता देंगे और थ्योरी का क्वेश्चन रट जाइएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही है। और मैथ आपको और अच्छा बनाने का शौक है तब एक्सरसाइज पर आइए। हाँ, तो थ्योरी का क्वेश्चन ही एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब थ्योरी में है। और थ्योरी में जितना भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन सब तरह का है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन का थोड़ा बहुत रिपीटेशन मिलेगा, एक ही तरह का क्वेश्चन दूसरा बार भी मिलेगा, लेकिन डिजिट चेंज रहेगा। लेकिन थ्योरी में मान लिया कि 30 क्वेश्चन है तो 30 क्वेश्चन 30 तरह का है, उसमें कोई रिपीटेशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए अब पढ़िए, क्या चीज, लॉग, क्या पढ़िए, लॉग। आई नहीं कि आप उसको बनाइएगा, बनाने के बाद क्वेश्चन लाइएगा, हम आते ही पहले बता देंगे। फिर से सुन लीजिए, लिंक आप लोग को मिला हुआ है ना, जिस जहां पर पीडीएफ जाता है। पीडीएफ का जो लिंक है उस लिंक में देखिए भेजे हुए हैं चैप्टर नंबर 5, एक बार दिखा देते हैं फिर से। चलिए देखिए, आपका ये बैच है 7 बजे का, लिंक आपके पास होगा तो 7 बजे का बैच खोलिएगा तो पीडीएफ डेट बाई डेट है। और उसमें देखिए एक होगा यहाँ पर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है चैप्टर 5 है ना, चैप्टर कितना 5, चैप्टर 5। अब इसी को आपको ओपन कर लेना है, चैप्टर 5 को ओपन कर लेना है। देखिए पीडीएफ है ना, यही बुक का पूरा पीडीएफ है चैप्टर नंबर 5। जिनके पास बुक है तो ठीक है, बुक से बनाइएगा, और जिनके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो यही चैप्टर नंबर 5 का पीडीएफ है। तो थ्योरी में देखिए 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, एक्सरसाइज में से भी बहुत कुछ बताए हैं। लेकिन अब एक्सरसाइज में आप क्या करिए कि बनाइए, जैसे एक्सरसाइज में हम आपको आप शुरू से बनाइए, ऐसे एक्सरसाइज में भी आपको हम बता दिए हैं कहाँ तक, शायद 32 नंबर तक बता दिए हैं, एक्सरसाइज में 32 नंबर तक बता दिए हैं। आपको क्या करना है, या रुकिए हम एक्सरसाइज में हम अपने मन से बता देते हैं, जो जो बताने लायक है बता देते हैं, उसके बाद आपको बनाना है, आपको जो प्रॉब्लम है डेली पूछना है। अन्य तो एकाएक क्वेश्चन थ्योरी का, फिर थ्योरी की तरह एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वो सब बताते चलेंगे तो आपका भी समय बर्बाद होगा, हमरो समय बर्बाद होगा। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइए,
थ्योरी हम बताएंगे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बताइए, अति जो जो नहीं बनता है आपको पर डे पूछते चलना है। ऐसा नहीं, अभी तक ऐसे ही होता था, हम बताते जा रहे हैं, बहुत लोगों को कोई मतलब है नहीं, या बहुत लोगों को भारी क्वेश्चन समझ में भी नहीं आता है, हम बताते जा रहे हैं, फिर जो है अपना घरे गया, फिर आए, फिर गए, फिर आए, फिर गए, तो उससे आपको भी क्या फायदा होगा? जब तक आप घर पर नहीं बनाइएगा, आपको कोई फायदा होने वाला मैथ से नहीं है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन आप बनाइए और उसको पूछते चलिए, तो आपको भी कुछ फायदा होगा। दूसरा बात, थ्योरी का क्वेश्चन जो भी बताते हो एकदम रट जाना है। जैसे मान ले कि 10 को क्वेश्चन बताए, तो 10 को क्वेश्चन घर पर जाके तुरंत बना लेना है, तुरंत बनाइएगा तो याद रहेगा। फिर से सुनिए, यदि आपका मैथ कमजोर है तो क्या करना है? थ्योरी का क्वेश्चन रट जाना है, उसी से पास करिएगा। और मैथ आपको अच्छा है तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी बनाइए, बनाइए पूछते चलिए, बनाइए पूछते चलिए। क्लास में आने से पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए, और यदि मैथ आपका कमजोर है तो थ्योरी का क्वेश्चन रट जाइए, उसी से आप पास करिएगा। चलिए लॉगरिथम छोड़ देते हैं, कल से शुरू करेंगे, लेकिन आप बना के लाइएगा, निकालने दीजिए चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं। लेकिन आप कल से बना के लाइएगा, कल से लगातार नहीं बताएंगे, बना के आपको लाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 शायद देखो बाकी ये रह गया, 30 नंबर शायद बाकी ही रह गया। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये बोलिए ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है? क्यूब रूट, क्यूब रूट। तो 32 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले। तो कैसे तोड़ेंगे? 8 और कितना? तो 8 का क्यूब रूट निकलता है, बोलिए 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2। क्यूब रूट का मतलब समझते हैं, किसका क्यूब करने पर 8 आएगा? तो किसका क्यूब करने पर 8 आएगा? 2 का। तो आइए इसको ऐसा तोड़ा जाए, तो फिर से बोलिए 32 को कैसे तोड़िएगा? 8 गुना कितना? 4। अभी 4 तो नहीं टूटेगा, 4 को 4 लिखना होगा। इसको 2 भाग में तोड़िए जिसमें एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले। बोलिए कितना लिखा हुआ है? 500। 500 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले। बोलिए जल्दी से, हाँ कितना आया? ठीक है, बिल्कुल सही है, 125 गुना कितना? 4। अब वैसे समझ में ना आता है तो आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं। दी देखिए इसमें के गो 5 है, 3 गो 5 है, तो 125 का जब क्यूब रूट निकालिएगा तो क्या बचेगा? 5। ती टूटा 125 आ गुना क्या चाहिए? 4। 5 गुना 5 गुना 5 125 आ गुना क्या चाहिए? 4। चलिए उसके बाद आ जाइए नीचे वाला, अब लिखते हैं।
चलिए फिर से 54 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले, तो 27, 27 का क्यूब रूट कितना? 3। अरे बहुत लोग तो क्यूब रूट का मतलब ही नहीं समझते हैं, हद तो ये है। 48 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का रूट जरूर निकले, 48 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का रूट जरूर निकले, तो कैसे तोड़िएगा? 16 गुना 3, और 16 का रूट कितना? 4, और 3 का नहीं निकलेगा। उसी प्रकार 54 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले, तो बोलिए 27 गुना कितना? अरे 27 का क्यूब रूट कितना होगा? अरे क्यूब रूट का मतलब हो गया किसका क्यूब करने पर 27 आएगा? 3 का। चलिए इसको ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट जरूर निकले, 64 गुना कितना? इसको तोड़िए, 1000 गुना कितना? 2। चलिए अब आइए नेक्स्ट स्टेप में। चलिए 2 गुना, अब 8 का क्यूब रूट बोलिए, 2, और 4 का क्यूब रूट नहीं निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो एक क्यूब रूट 4 ही रह जाएगा। चलिए इसको आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। चलिए 125 का क्यूब रूट बोलिए, 5, और क्यूब रूट कितना? 4। किसका क्यूब करने से 125 आता है? तो 125 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा? 5। चलिए अब यहाँ आ जाइए, 3 × 27 का क्यूब रूट बोलिए कितना? 3। अब बच गया अंदर में कितना? 2। चलिए 64 का बोलिए, 64 किसका क्यूब होता है? 4 का। चलिए 1000 का क्यूब रूट बोलिए, अब ऊपर में बोलिए क्या कॉमन हो जाएगा, ऐसा बात बोलिए जो सब में हो। तो यह बात सब में है, तो इसको ले लेते हैं कॉमन, तो क्यूब रूट 4 यह क्या हो गया? कॉमन। तो बोलिए बचेगा कितना कितना? तो ये हो गया 2 गुना 2 कितना? 4, माइनस 3, आप प्लस कितना? 5। उसी प्रकार नीचे में बोलिए कौन ऐसा टर्म है जो सब में कॉमन है, तो क्यूब रूट 2 सब में क्या चीज है? कॉमन है, यह टर्म सब में कॉमन है, तो इसको आप कॉमन ले लीजिए। तो क्यूब रूट 2 ले लिए कॉमन, तो बोलिए बचा कितना कितना? तो इसमें बच गया 3 गुना 3 कितना? 9। अगले में 8 और 1 10। अब इसी को कटाइए, कुछ कटने वाला है तो कटाइए, कैलकुलेशन आप करिए। बोलिए वो ये हो जाएगा आपको क्यूब रूट 4 × 5 और 9 में से 3 घटाइए, 6, यह हो गया क्यूब रूट 2 × 11, तो ये हो गया 6/11, 6/11। अब बोलिए इसका क्या करें? तो दोनों का पावर एक जैसा है कि अलग अलग? ये 4 का आई 2 का पावर एक जैसा है कि अलग अलग तरह का है? एक जैसा है तो कटा सकते हैं, एक जैसा है तो कटा सकते हैं। ती 2 से 4 कटेगा कितना बार? आज जैसा पावर है वैसा लिख दीजिए, पावर है क्यूब रूट, और यही आपका क्या हो गया आंसर। पावर एक जैसा है तो कटता है, पावर अलग अलग है तब नहीं कटता है, आ एक जैसा पावर है तो कभी भी कटता है, कभी भी।
चलिए, तो 31 नंबर क्वेश्चन बाकी रह गया था। पहले भी बताइए इसका मतलब क्या होता है, क्यूब रूट एक्स का मतलब बोलिए। हाँ, एक्स का पावर कितना, 1/3। इसीलिए कहते हैं कि किसका क्यूब जो है, अब जैसे 64 का क्यूब रूट निकालना है तो किसका क्यूब 64 होता है, तो इसको लिखेंगे 4 का पावर 3। आ इसका मतलब कितना, 1/3। तो ये दोनों कट जाएगा और आंसर आ जाएगा कितना, 4। और हम लोग ऐसे शॉर्टकट अपना सोचते हैं कि किसका क्यूब 64 आएगा, तो किसका, 4 का। नियमता तो ऐसे है। पहले 32 को तोड़े कितना में, 8 4 में। 8 4 में ही हम क्यों तोड़े, 2 2 16 में काहे नहीं तोड़ दिए। तो एक पार्ट ऐसा निकले जिसका क्यूब रूट निकलता हो, तो 8 का क्यूब रूट निकलता है कितना, 2। अब 4 को तो हम और तोड़ ही नहीं सकते हैं, 4 को अब तोड़ ही नहीं सकते हैं। चलिए, अब 500 को ऐसा तोड़िए कि एक पार्ट का क्यूब रूट निकले, तो 125 गुना कितना, 4। 125 का क्यूब रूट निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना, 5, चूंकि 5 का क्यूब 125 होता है। चलिए, एक्सरसाइज में आप एक्सरसाइज शुरू से बनाइएगा, एकदम क्वेश्चन नंबर 1 से आप बनाइएगा, और जो जो प्रॉब्लम होगा कल लाइएगा। और हम एक्सरसाइज में आपको बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 से बता रहे हैं। चलिए, 4 को पहले बोलिए कैसे लिखें, 4 का पावर x है तो इसको 2 में बदल दीजिए, तो कैसे लिखें। हाँ, 2 का पावर कितना, 2x। बोलिए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है किन्हीं को। अभी देखिए, यह लिखा हुआ है 3 का पावर x माइनस कितना, 1/2। तब इसको कैसे तोड़े। अच्छा, पहले ऐसा काम करते हैं कि यहाँ पर बेस कितना है, 4, यहाँ पर कितना, यहाँ कितना, आ यहाँ कितना, तो ये 2 में बदल सकता है कि नहीं। तो 2 वाले को एक तरफ कर लेते हैं, हाँ 3 वाले को पहले एक तरफ कर लेते हैं, तो इसको पहले इधर ले आते हैं, तो इसका साइन माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। अब बोलिए 2 का पावर कितना, 2x-1 बराबर। अभी 3 को राइट साइड लेके चलते हैं, तो पहले से ही है 3 का पावर x+1/2 प्लस 3 का पावर कितना, x-1/2। चलिए, अब आइए, ये दोनों तो बेस सेम है ना, तो ऐसा टर्म हम आपको पहले भी बहुत बताए हैं जिसमें कॉमन लेते थे, याद है। 2x कॉमन ले लेते हैं, 2 का पावर 2x क्या ले लेते हैं, कॉमन। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो ये बोलिए, जब ये कॉमन ले लिए तो इसके बदले यहाँ क्या लिखे, चलिए लिख देते हैं 1। दूसरा बात क्या लिख सकते थे, 1 के बदले दूसरा बात क्या लिख सकते थे, 2 का पावर 0। इससे भाग दीजिएगा तो बेस तो सेम रहेगा, पावर क्या होता है, घटता है। अब बोलिए इसके बदले क्या लिखें, हाँ 2 का पावर कितना, -1। देखिए, बात यही है कि आप लोग पढ़ते नहीं है, यदि पढ़ते तो कोई दिखते नहीं होता, आप पढ़वे नहीं करते हैं। अब जो कहिए, लेकिन ईमानदारी से आप खुद सोचिए, आप पढ़ते ही नहीं है, यदि आप पढ़ते तो आज दिक्कत नहीं होता। देखिए, यहाँ पर कॉमन लिए थे इसमें,
देखिए सेम टर्म बताए हैं, ऐसा टर्म है तो ये क्या किए हैं, देखिए कॉमन लेके बनाए, तो उस समय तो हम बताए होंगे ना कि ऐसे कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ कॉमन लिए हैं, देखिए यहाँ पर फिर कॉमन लिए हैं, देखिए यहाँ पर ही कॉमन लिए हैं, तो ऐसा तीन चार क्वेश्चन बताए थे। तो सब टर्म जुड़ा हुआ ना है मैथ में, ऐसा थोड़े है कि बीच में कुछ छोड़ दीजिए तो कहीं से कुछ हो पढ़ लीजिएगा। बस समस्या ये है कि आप घर पर पढ़ते नहीं हैं, तो पढ़ते नहीं हैं तो इसलिए आगे समझ में नहीं आता है। कुछ हो हम बताएंगे तो समझ में आएगा कैसे, जब पिछला टर्म याद नहीं रखिएगा। चलिए कॉमन लिए, तो कॉमन लेने का मतलब बोलिए, भाग देना। तो भाग देने में क्या होता है, भाग देने में पावर क्या होता है, घटता है, बेस बेस जुटता है। भाग देने में पावर क्या होता है, घटता है, बेस बेस सेम रहता है। गुना करने में पावर जुटता है, बेस सेम रहता है। तो इसमें बेस कौन है, तो दो तो सेम में रहेगा, पावर क्या होगा। हाँ ये कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो पावर क्या होगा, घटेगा। तो ये 2x को 2x में घटाइए, आई 2x को इसमें भी घटाइए, तो 2x कट के क्या बचेगा, माइनस होगा। इसमें भी हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें 3 का पावर x ले रहे हैं कॉमन। अब बोलिए पहला में क्या बचेगा, बोलिए इसके पहले क्या बचेगा, तो x इसमें क्या होगा, घटेगा। अरे घटेगा तो एक्स एक्स कटेगा, बाप रे बाप, कितना मैथ आप लोग का कमजोर है। अरे इसमें एक्स घटाइए ना, तो एक्स एक्स कटेगा तो बचेगा क्या चीज, 1/2। चलिए ये एक्स को इसमें घटाइए, तो एक्स कट के क्या बचेगा, 3 का पावर -1/2। चलिए पावर 0 का मान बोलिए, आई 2 का पावर -1 का मतलब बताइए, तो इसका मतलब होता है 1/2। चलिए अगला बात, 3 का पावर कितना है, एक्स, और 3 का पावर 1/2 का मतलब बोलिए, पावर 1/2 का मतलब √3। आई पावर माइनस है तो इसका मतलब 1/√3 हो जाएगा, -1 का मतलब बटा में जाना। चलिए यह हो गया 2 का पावर कितना, 2x। अभी दोनों को जोड़िए, ये हो गया 3 का पावर x, अभी दोनों को जोड़ के बताइए कितना बटा कितना। हाँ तो √3 गुना करिए, 3 3 + 1 4, आप बटा में क्या रहेगा, √3। अगला चैप्टर से PDF बंद, सबको लिखना है, कम से कम यहाँ तो एक बार लिखिएगा, क्योंकि घर पर कोई पढ़वे नहीं करते हैं आप लोग, घर पर कोई नहीं पढ़ते हैं, PDF जाता है फिर ऐसे चलाते हैं, तो नहीं पढ़ेगा तो कोई फायदा होगा। अब जितना अब हम आगे पढ़ाएंगे उतना ही आपको दिक्कत होगा, क्योंकि मैथ है सब रिलेटेड होता है, आप जितना आगे पढ़ाएंगे उतना ही आपको अब दिक्कत होते चलेगा, क्योंकि शुरू से बेस कमजोर रह गया तो आगे की बात आप नहीं समझ पाइएगा। लेकिन इतना ही आप पढ़ लेते, घर पर एक बार भी पढ़ लेते, कहते हैं कि कॉपी पर उतारिएगा जो भी बात पढ़ाते हैं, घर पर जाइए कॉपी रखिए, कॉपी पर सब फेयर करते चलिए। PDF इसलिए नहीं मिलता है कि आपके मोबाइल में सुसज्जित रहे, PDF इसलिए मिलता है कि समय बचे, जो बात आपको यहाँ नोट करना है वो बात आप कहाँ पर नोट करिए, घर पर, इसलिए PDF मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके मोबाइल में रखा रहे, जब मन है तब पढ़ते रहिए, मन करे तब पढ़िए, मन करिए थोड़ा पढ़िए, क्योंकि मोबाइल से सही में पढ़ाई नहीं होता है, वो तो जैसे ही बैठे तब तक व्हाट्सएप पर एगो मैसेज आ गया, अच्छा भाई जो है भेजे हैं मैसेज, रिप्लाई करना होगा, फिर बात शुरू हुआ,
फिर खत्म हुआ, फिर जो है पढ़ने बैठे, फिर दूसरे यार का मैसेज आ गया। अरे बाप, बड़े दिन बाद इसका मैसेज आया है, तेरी पूछे तो क्या हाल चाल। तो जाहिर है कि ऐसे नहीं होता है। आप उसको फेयर करिए, मोबाइल मोबाइल को फ्लाइट मोड में रख दीजिए, न किसी का मैसेज आएगा न कुछ। आ एक बार जो पढ़ाई होता है उसको आप फेयर कर लीजिए, फेयर करिएगा तो आपको पता चलेगा कि हम कितना समझे कितना ना समझे। जो दिक्कत होगा फिर कल होके पूछिएगा, पहले सुनिए। आज पढ़ाना बंद, आज एकदम अब कुछ नहीं, पहले सुन लीजिए। यदि पहले नहीं आप बनाए हैं तो आज से शुरू करिए। जाते ही आप क्या करिएगा, एक नया कॉपी लीजिएगा, और कम से कम यह चैप्टर नंबर कितना आप पढ़ रहे हैं, 5, जितना आप तक पढ़ाए हैं कल पूरा उतार के लाइएगा। जितना भी चैप्टर नंबर 5 में अब तक पढ़ाए हैं शुरू से, वो आप फेयर करके लाइएगा। कॉपी कल से देखेंगे, कॉपी नहीं रहेगा क्लास में एंट्री बंद, क्लास में एंट्री बंद, तभी आप लोग पढ़ पाइएगा। हाँ ना, अब जब तक सब लोग पूरा नहीं करिएगा पढ़ाई बंद रहेगा। जब तक जितना आपको पढ़ाए हैं, जितना पीडीएफ में बात अब तक हम लिखे हैं चैप्टर नंबर 5 में, थ्योरी नहीं, जितना हम पढ़ाए हैं वो सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन सॉल्यूशन नोट होना चाहिए। जैसे मान ली कि क्वेश्चन पढ़ाए या क्वेश्चन पढ़ाए, दो गो पेन रखिएगा, एगो रेड एगो ब्लू, रेड से क्वेश्चन लिखिएगा, ब्लू से सॉल्यूशन होना चाहिए। जितना आप तक पढ़ाए उस सारा बात आपके कॉपी में फेयर होना चाहिए। नहीं फेयर करिएगा तो कोई फायदा है पढ़ने से, कोई फायदा नहीं होगा। और अभी कुछ नहीं बुझाता है, बुझाएगा 2-3 साल के बाद, क्योंकि समय बीत जाएगा, अभी नहीं पढ़ पाइएगा तो 2-3 साल बाद कितनों कुछ कर लीजिएगा, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। जैसे जैसे समय बीतेगा पढ़ने का इच्छा कम होते जाता है, मतलब जैसे जैसे अब समय बीतेगा पढ़ने का मन कम होते जाता है। अब जितना अभी आप पढ़ सकते हैं हमको कहा जाए तो हमसे उतना कहाँ पढ़ाई होगा, हमसे पढ़ाई नहीं होगा। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ेगा पढ़ने का इच्छा धीरे 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 कम होते जाता है। तो अभी 2-3 साल में जो पढ़ लीजिएगा पढ़ लीजिएगा, उसके बाद चाह के भी नहीं पढ़ पाइएगा, संभव ही नहीं है, यही सच्चाई है। तो अभी नहीं पढ़िएगा तो बाद में कुछ नहीं होगा आपसे, पढ़ाई तो नहीं होगा, दूसरा काम भले हो सकता है, पढ़ाई तो नहीं हो सकता है। सबका एक उम्र निर्धारित है, हर एक चीज का एक उम्र निर्धारित है। सेना में काहे तुरंत रिटायर कर दिया जाता है, सेना में लोग को आम है ना कि चलिए 60 बरस तक नौकरी करना है, सेना में कहाँ सबको 60 बरस तक रखता है, पहले ही काहे रिटायर कर देता है। तो लड़ने का उसका जो उम्र है वहीं तक ना लड़ेगा, अब बुजुर्ग को रख लेगा तो उसको सीमा पर भेजेगा लड़ने के लिए। बुजुर्ग लोग बुद्धि दे सकता है, अनुभव उसके पास है, अब वो लाठी थोड़े चलाएगा, वो सीमा पर थोड़े लड़ेगा। तो लड़ने वाला सैनिक अलग है, बुद्धि देने वाला सैनिक अलग है, प्लानिंग करने वाला सैनिक अलग है, सबका एक अलग अलग ही है। जो उसी में अच्छा परफॉर्मेंस करता है वो टीम को नेतृत्व कर सकता है, बाहर से उसको बुद्धि दे सकता है कैसे लड़ना है, लेकिन लड़ना तो है कमे उम्र वाले को। तो उसी तरह पढ़ने का भी समय निर्धारित है, अभी पढ़िएगा पढ़िएगा, बाद में पढ़ाई नहीं होगा, जिम्मेवारी हो जाता है, पढ़ने का समय वो नहीं मिलता है। चलिए तो कल क्या करना है, चैप्टर नंबर 5 का फेर करके लाइए तो आगे पढ़ाई होगा, नहीं तो ऐसे आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा, कोई फायदा नहीं होगा।